हेलो फ्रेंड्स, आई एम तानिया एंड वेलकम बैक टू तानियाज किचन चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ में एक और रेसिपी की वीडियो शेयर कर रही हूँ। आज मैं आपके साथ में रॉ बनाना और आलू की हेल्प से एक कटलेट की रेसिपी शेयर करूंगी जो बहुत ही इजी है। तो चल बिना टाइम वेस्ट किए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कटलेट बनाने के लिए मैंने यहाँ पे दो रॉ बनाना लिए थे जिसको मैंने अच्छे से बॉईल कर लिया और इसके छिलके को हटा दिया। यहाँ पर मैंने दो आलू लिए, इसको भी मैंने अच्छे से बॉईल कर लिया था। अब क्या करेंगे, जो ये हमने फॉर्क ले रखे इसकी हेल्प से हम इसे मैश करेंगे। इस तरीके से बनाना को और आलू को साथ ही में मैश करना है मुझे, तो मैं इस तरह से मैश कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने इनको आलू को अच्छे से मैश कर लिया। अब हम इसको एक बाउल में निकाल लेते हैं। तो ये यहाँ पर मैं एक बाउल में निकाल लेती हूँ इसको। इसके बाद क्या करेंगे, हम इस पे हींग डालेंगे थोड़ा सा टेस्ट के अकॉर्डिंग। इसके बाद रेड चिली पाउडर या चिली फ्लेक्स जो भी आपके पास हो उसको डाल दीजिए। तो यहाँ पे मैंने रेड चिली पाउडर डाल दिया है। यहाँ पर मैंने चाट मसाला डाल दिया है। इसके बाद हम इसमें गरम मसाला डाल देते हैं। इसके बाद हम इसमें 1 टेबल स्पून जीरा पाउडर डाल दे रहे हैं। इसमें हम इसके बाद टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट ऐड करेंगे। इसके बाद हम इसमें हम चॉप कर लिया था धनिया, जिससे इसका टेस्ट और भी अच्छा आएगा। तो अब हम इसको मिक्स कर देते हैं। बनाना टिक्की में धनिया डालने से इसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है, 4 चांद लगा देते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे धनिया डाले। तो ये देखिए मैंने इन्हें अच्छे से डो की शेप दे दी। अब हम इसकी बॉल्स बना लेते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग, मैंने यहाँ पे देखिए अपने हाथों में ऑयल लगा लिया है। तो अब हम इस डो जो बनाया था कटलेट का, इसको कटलेट की एक शेप दे देते हैं। तो इसकी शेप दे देते हैं इसको छोटे छोटे से। आप अपनी पसंद की कोई भी शेप दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे इस तरह से टिक्की की शेप दे दी है इसको। तो एक हमारी ये टिक्की बन के तैयार हो गई है। इसी तरीके से हम सारी टिक्कियाँ बना लेंगे सेम प्रोसेस से। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे सारी अपनी टिक्कियाँ बना ली। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मैंने ऑयल पहले से गरम कर दिया था। अब हम अपनी जो टिक्कियाँ ली थी उसको इसमें फ्राई कर देते हैं। डीप फ्राई करेंगे हम टिक्कियों को। इनको हम गोल्डन फ्राई होने तक फ्राई करेंगे अच्छे से। तो ये देखिए हमारी टिक्कियाँ गोल्डन फ्राई हो गई हैं। अब हम इनको निकाल लेते हैं एक प्लेट में। इस तरह से हम निकाल लेते हैं टिक्कियों को अपनी एक प्लेट में साइड में। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती हैं। इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई करिएगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने अपनी सारी टिक्कियाँ निकाल दी है। आप इसे अपनी, मैंने ग्रीन चटनी के साथ इसे सर्व किया। आप अपनी पसंद की कोई भी चटनी के साथ इसे सर्व करिए, ये बहुत ही टेस्टी लगती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी टिक्की की रेसिपी, कटलेट की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।